तेरा वादा अगर वफा होगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रही थी आप? कुछ नहीं यार, वैसे एक बात है, मेरी बीवी ना बहुत ही अनरोमेंटिक है। बजाय इसकी कि कहती कि आपको याद कर रही थी, बोला भी तो क्या बोला? सो जो कर रही थी वही बताऊंगी ना। अच्छा, तो मतलब तुम मुझे मिस नहीं कर रही थी? मैंने ऐसा भी नहीं कहा। तो वैसा भी तो नहीं कहा ना जो मैं सुनना चाह रहा था। अच्छा ये बताएं, आज क्या बनाऊं आपके लिए? यार मैं तुमसे क्या बात कर रहा हूँ और तुम बात को प्यार से खाने पर ले आई? क्योंकि मैंने सुना है कि मर्द के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता। अरे यार, तुम तो पहले ही दिल पर कब्जा कर चुकी हो, इसलिए दाएं बाएं से आने की कोई जरूरत नहीं। चले मैं आपके लिए खुद से कुछ बना लूंगी, मैं बाद में बात करती हूँ। क्यों, क्या हुआ, कोई आ गया क्या? जी भाभी आई। अच्छा ठीक है, चलो मैं रखता हूँ, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अली से बात कर रही थी जी। शहरी तो मुझे कभी कॉल करते ही नहीं है, सुबह ऑफिस जाते ही इतना बिजी हो जाते हैं कि फिर रात को घर वापस आके नसीब होता है उनसे बात करना। ओह, अली को तो जैसे ही टाइम मिलता है वो कॉल या मैसेज ज़रूर करता है। हाँ अच्छी बात है, मियाँ बीवी में ऐसी बॉन्डिंग होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ बातें ही नहीं, अली को तुम्हारे लिए बोलना भी चाहिए। ये खाली खुली मोहब्बत के दो अल्फाज काफ़ी थोड़ी होते हैं। खैर मैं भी क्या बातें लेके बैठ गई, मामा का फ़ोन आया था, उन्होंने कल रात के डिनर के लिए इनवाइट किया। आंटी सबसे पहले उन्हें ही बताया था, बल्कि उन्होंने ही कहा कि तुम्हें भी बता दूँ, पूरी फैमिली इनवाइटेड है।